ईरान हो, यमन के हूती हो, तुर्की हो, सीरिया हो, मिस्र हो या जॉर्डन हो, हिजबुल्ला को इसराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है, क्योंकि इसराइल ने मोराल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुल्ला इसराइल के अस्तित्व के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। लेबनान इसराइल में युद्ध छिड़ता है, यानी इसराइल टैंक लेकर लेबनान में घूमता है, तो ये पहली बार नहीं होगा। 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल का आमना सामना हो चुका है। दो हजार चार में हुए सैनिकों की अदला बदली में अपने दो साथियों को नहीं छोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्ला ने दो इजरायली सैनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने तीन साथियों को रिहा करने की मांग की। इस मांग को इजरायल ने अपनी बेइज्जती माना। इसके बाद इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले किए और लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों इलाकों को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था। इस युद्ध के दौरान इसराइल अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। दुनिया की सबसे मजबूत टैंक कही जाने वाली टैंक को भी हिजबुल्ला ने नष्ट कर दिया और तीन हेलीकॉप्टरों, 20 टैंकों और एक लड़ाकू पोत को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में इसराइल को हिजबुल्ला ने अपनी सैन्य क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। इसके बाद से ही इसराइल हिजबुल्ला को ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सवाल है, क्या 2024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्ला इसराइल को सबक सिखाने की सूरत में है? इस सवाल का जवाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा। लेबनान के पास एक्टिव सैन्य संख्या है मात्र 80,000, इसराइल के पास है 1,73,000, यानी दो गुने से ज्यादा। इसराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, जबकि लेबनान के पास है ही नहीं। इसराइल के पास 80,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। इसराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 78। इसराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इसराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। इसराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इसराइल के पास 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 60। इसराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 361। इसराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 30। नौसेना में जहाजों और युद्ध पोतों के मामले में लेबनान इसराइल से आगे है। इसराइल के पास 67 जहाज हैं, जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज्यादा, यानी 86 जंगी जहाजों का बेड़ा है। इसराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद वाहन हैं। इसराइल के पास 48 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं। इसराइल के पास 5 बंदरगाह हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 2। इतनी लंबी चौड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तौर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है। लेकिन 2006 के जंग के दौरान भी इसराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था, जब नतीजा इसराइल के पक्ष में नहीं निकला। इस वक्त हिजबुल्ला मध्य पूर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्षित सेनाओं में से एक है और इसराइल चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देश है। नेतन्याहू के दिमाग में यह भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्ला से बदला पूरा करने का यही वक्त है, लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों ओर से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बता पाना मुश्किल है। लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टाकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2,300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्ला ने इन हमलों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है।